केंद्र की मोदी सरकार लगातार लोगों को सस्ते दामों में दवा उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए 3 साल पहले जन औषधि केंद्र खोलने की शुरुआत हुई। आज देश में जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे लाभार्थियों से बात करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे, जुड़ेंगे। ये लाभार्थी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे और इस बार जन औषधि दिवस की थीम सेवा भी रोजगार भी है। अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, आज जन औषधि दिवस है और उस मौके पर किस तरह का कार्यक्रम आज होने जा रहा है? देखिए आस्था, अगर बात करें तो जो भारत की जनता है उसको सस्ती दवाई देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और आज अगर बात करें तो 7,500वां स्टोर इसका जो है ओपनिंग होगा और ये मेघालय के शिलोंग में पड़ेगा। इसका ओपनिंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम सारे इसके लाभार्थी रहे उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनको सस्ती दवाओं का लाभ मिला है, क्योंकि जो आमतौर पर बाजार में महंगी दवाएँ रहती है उससे 80% 90% सस्ती दवा ये जेनरिक स्टोर पर मिलती है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि से गरीब जो जनता है उनको इलाज में काफी फायदा मिलेगा और उनको सस्ती दवाओं मिलेगी जिससे कि उनके जो पैसे है उसकी बचत हो सके। और इसी कड़ी में आज वो 7,500वां स्टोर खोलने जा रहे हैं। जाहिर तौर से बात है कि प्रधानमंत्री की एक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसको कह सकते हैं कि हर जनता को सस्ती दवाई मिले जिससे कि किसी को भी इलाज के अभाव में दम न तोड़ना पड़े या इलाज के अभाव में न रहना पड़े। इसी की कड़ी में उन्होंने जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी और आज इसका एक माइलस्टोन आप कह सकती हैं कि 7,500वां केंद्र खुलने जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कई भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे कि उनको कैसे फायदा मिला है जन औषधि केंद्र से और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो इसको लेकर वो बातचीत भी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसको लेकर भी वो बातचीत करेंगे। और आप बता रहे हैं कि जो जन औषधि केंद्र है लगातार इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है और देश में आने वाले समय में इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि सस्ते दामों पर महत्वपूर्ण दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। बहुत शुक्रिया अविनाश अपडेट के लिए।